कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्ल खुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआवजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो ना, उस टैक्स से क्या हो रहा है, उस टैक्स से आपके लोग मासूम लोगों का कत्लेआम हो रहा है। और आप लोग उन मासूमों के कत्लेआम पर अगर खामोश हो तो आप भी फर्द जुर्म हो, आप पर भी ये जुर्म आयद होता है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौमियत के नाम पर बलोच नस्ल कुशी पर खामोशी इख्तियार की। बलोच नस्ल कुशी पर आपने आंखें मोड़ ली कि कोई बैरूनी एजेंडा है, कोई फंड है, लेकिन देखिए आपने यहाँ इस आग को कितना फैला दिया। मैं इन तमाम माओ के हौसलों को, ये तहरीक इनकी है। एक हमारे साथ कमाश है, उसके बेटे को रिहा किया गया है, लेकिन वो फिर भी बोलता है मैं यहीं पे हूँ, मैं यही पी हूँ, मैं यही पे बैठा हूँ। बालाज जिसको मारा गया, वो बालाज जो मैट्रिक का तालिब इल्म था उसको मारा गया, उसके दो भाई अभी भी बोल रहे हैं हम बलोच कौम के लिए निकले हैं। मेरा भाई मर गया तो कोई वो नहीं है, उन्होंने कत्ल किया, मैं नहीं चाहता कि कोई और कत्ल हो। वो माँ है, वो माँ है जो अपने बेटे को जिंदा रखे हुए है। मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं सत सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है ये तहरीक। मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुर्बत से निकले थे इनको नहीं पता था कामयाबी, पता है क्या है कामयाबी? ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है, ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें, हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना आप समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।